हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम और स्वागत करूंगा आप सभी का हमारे चैनल शुभ कदम में। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कल के मार्केट एनालिसिस के ऊपर, यानी कि कल के मार्केट सेशन के लिए मैंने एनालिसिस करके जो जो स्टॉक्स फाइंड किए वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, और साथ में ही एंड में निफ्टी और बैंक निफ्टी के व्यूज भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एरोबिंडो फार्मा का यहाँ पर स्टॉक लगा हुआ है और यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्राइस एक्शन दिख रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वन डे के टाइम फ्रेम में एरोबिंडो फार्मा एक राइजिंग चैनल में मूव कर रहा है, और प्राइस अभी कहाँ पर है आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्राइस ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, कहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, जो कि रेजिस्टेंस लाइन है राइजिंग चैनल की, और यहाँ पर ऊपर जाकर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है, और अभी जो प्राइस है वो नेक लाइन पे है। और यहाँ पर मेरा एनालिसिस ये है, अगर ये नेक लाइन नीचे के डायरेक्शन में ब्रेक होती है तो यहाँ पर से बहुत ही अच्छा सेल ऑफ आ सकता है, और इंट्राडे में बहुत ही अच्छा मूव हम यहाँ पर कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इंट्राडे में ट्रेडिंग किस तरह से कर सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम में लेके चलना चाहता हूँ। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये जो डाउन ट्रेंड लाइन है बहुत ही इंपॉर्टेंट डाउन ट्रेंड लाइन है इंट्राडे के हिसाब से, और अगर कल मैं मार्केट जो है ये स्टॉक जो है रेंज में खुलता है, बहुत बड़ा गैप डाउन नहीं होता, और अगर ये जो लेवल है जो कि लेवल है 938 की, अगर 938 की लेवल डाउन साइड में ब्रेक होती है तो यहाँ पर पुल बैक देखकर बहुत ही शॉर्टिंग के अच्छे मौके बन सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन भी खुलता है तो अगर यहाँ पर पुल बैक आता है तो यहाँ पर से सेल ऑफ हम देख सकते हैं। ठीक है, और सिमिलरली सेकेंड अपॉर्चुनिटी क्या बन सकती है, अगर ये डाउन ट्रेंड लाइन है ये ऊपर के डायरेक्शन में अगर ब्रेक होती है तो आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो हाई है ये सिंपल सा हमें मार्क कर लेना है, और यहां पर इस वाले हाई पर रीटेस्ट पर हम बहुत ही अच्छा ट्रेड यहां पर ले सकते हैं। इतना सिंपल सा यहां पर एनालिसिस बन रहा है एरोबिंडो फार्मा में। और अभी अगला जो स्टॉक है वो है HDFC। HDFC में भी बहुत ही सिंपल एनालिसिस बन रहा है, थोड़ा सा आपको यहाँ पर से वन डे के टाइम फ्रेम में लेके चलना चाहता हूँ। यहाँ पर अगर हम वन डे के टाइम फ्रेम में आएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि HDFC में एक बहुत ही अच्छा सा इंपल्स मूव बन रहा था, मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा इंपल्स मूव बना। यस, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है जिसका यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया HDFC ने, और यहाँ पर से स्टॉक जो है वो नीचे के साइड में गिरने लगा। ठीक है, और अभी हम यहाँ पर अब देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाएंगे तो ये जो रिट्रेसमेंट है ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो है 0.618 का। इस वाले 0.618 पर प्राइस ने यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सपोर्ट लिया, यहाँ पर बहुत ही अच्छा कैंडल बन रहा है जो कि है हैमर कैंडल। हैमर कैंडल हमें क्या बोलता है कि यहाँ पर से मार्केट जो है वो ऊपर के डायरेक्शन में मूव कर सकता है, इस वजह से बहुत ही अच्छे बाइंग के मौके आगे आने वाले दिनों में बन सकते हैं या फिर कल बन सकता है। यहाँ पर अगर हम इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे में हम यहाँ पर किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, थोड़ा सा हम यहाँ पर 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाने का ट्राई करेंगे, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 15 मिनट टाइम फ्रेम में यहाँ पर एक राउंड बॉटम पैटर्न बना है। ठीक है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो गैप क्रिएट हो गया था ये वाला, तो ये यहाँ पर सपोर्ट का काम कर रहा था, और गैप जो है वो आगे जाकर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करते हैं वो आपको भी पता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो गैप है यहाँ पर सपोर्ट का काम कर रहा था, और अभी ये यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, तो कल जब मार्केट खुलेगा तब भी ये यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर ये गैप जो है वो ब्रेक होता है, या तो मार्केट रेंज में खुले या फिर बहुत बड़ा गैप अप ओपनिंग हो, अगर ये गैप जो है वो ब्रेक होता है तो यहाँ पर पुल बैक देखकर हम बहुत ही अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बना सकते हैं, यहाँ पर बहुत ही अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है और बहुत ही अच्छा ट्रेड भी बन सकता है। और दूसरी बात, अगर समझ लो कि यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा राउंड बॉटम पैटर्न बना है, यहाँ पर प्राइस ने रिजेक्शन लिया तो यहाँ पर शॉर्ट नहीं करना है, सिर्फ हमें वेट करना है कि यहाँ पर कप पैन हैंडल पैटर्न बने। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर पहले से ही कप यहाँ पर बन चुका है, अगर यहाँ पर कुछ इस तरह से हैंडल पैटर्न बनता है तो इस वाले हैंडल पैटर्न ब्रेक जैसे ही ब्रेक होगा तो हम यहाँ पर एक अच्छा सा ट्रेड ले सकते हैं, और वो हमें कवर कहाँ पर करना होगा, ये जो गैप है यहाँ पर कंपल्सरी वो हमें कवर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर से फिर से एक सेल ऑफ आ सकता है, तो इस तरह से एक स्कैल्पिंग का भी मौका यहाँ पर बन सकता है, और अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा इंट्राडे ट्रेड भी बन सकता है। तो इतना सिंपल एनालिसिस है HDFC में। और अगला जो स्टॉक है वो है टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर में भी बहुत ही सिंपल एनालिसिस है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है इंट्राडे के लिए, जब भी यहाँ पर प्राइस आ रहा है यहाँ पर से आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा बाउंस लगा रहा है, तो अभी जो प्राइस है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राइस ने यहाँ पर इस वाले ट्रेंड लाइन को टच किया हुआ है, और यहाँ पर सिंपल सा हम कल ट्रेड ले सकते हैं, यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड लाइन है,
अगर कल ये डाउन ट्रेंड लाइन ऊपर के डायरेक्शन में ब्रेक होती है तो पुल बैक देखकर बहुत ही अच्छा बाइंग का मौका बनेगा। सिमिलरली अगर ये इंपॉर्टेंट अप ट्रेंड लाइन है, अगर ये अप ट्रेंड लाइन नीचे के साइड में ब्रेक होती है तो यहाँ पर से भी पुल बैक देखकर बहुत ही अच्छा शॉर्ट के मौके बनेंगे। तो इतना सिंपल सा एनालिसिस है टाटा कंज्यूमर में, यहाँ पर बहुत ही ऊपर ऊपर के डायरेक्शन में भी ट्रेड कर सकते हैं। अगर ऊपर ब्रेकआउट देगा तो हम यहाँ पर बाइंग करने का ट्राई करेंगे, अगर ये ब्रेक डाउन कर देगा तो हम यहाँ पर सेलिंग करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पर से हम सीधा चलेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर। हम यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करते हैं, थोड़ा सा आपको डेली टाइम फ्रेम में लेके चलना चाहता हूँ। और हमने यहाँ पर डिस्कस क्या किया था पहले कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वाली जो लेवल है ये बैंक निफ्टी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर आपको लेवल बताना चाहूँ तो वो है 34,500 की। ठीक है, तो यहाँ पर बैंक निफ्टी क्या कर रहा था, यहाँ पर बैंक निफ्टी हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा था। और हमने क्या बात की थी, अगर ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेक होता है, नेकलाइन ब्रेक होती है, तो सीधा सीधा हम ये वाली जो 0.5 रेशो है फिबोनाची का वो देखेंगे, और इसके नीचे जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो है 0.6 की। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 0.5 के लेवल को प्राइस ने टच किया और यहाँ पर से बहुत ही अच्छी ऊपर के डायरेक्शन में मूव भी दिखी। और अगर हम यहाँ पर इंट्राडे की बात करें तो सिंपल सा हम यहाँ पर से 15 मिनट टाइम फ्रेम में चलते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर से हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में आ गए और यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डाउन ट्रेंड लाइन है इंट्राडे के हिसाब से। तो उस वाले ट्रेंड लाइन का आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्रेकआउट एक्यूरेटली यहाँ पर हो चुका है और यहाँ पर ऊपर के डायरेक्शन में क्लोजिंग भी दे दी है। अगर कल मार्केट जो है यहाँ पर रेंज में ओपन होता है तो ये वाला जो लेवल है जो कि 34,500 का, ये यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करने वाला है एज अ सपोर्ट। एज अ सपोर्ट ये एक बहुत ही अच्छा काम कर सकता है। अगर यहाँ पर रेंज में खुलता है तो यहाँ पर पुल बैक देखकर हम यहाँ पर से बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। अगर कल अच्छा सा मार्केट बुलिश हो, मतलब बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी अच्छा सा मूव कर रहा हो, तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा हैमर पैटर्न या फिर कोई भी बुलिश सिंगल फिंग कोई भी बुलिश पैटर्न बने तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा बाइंग का मौका बन सकता है। और अगर ये यहाँ पर से लेवल ब्रेक होती है तो नीचे ये वाला जो एरिया ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। अगर आपको एक्यूरेटली लेवल बताना चाहूँ तो 34,165 का जो लेवल है यहाँ पर बहुत ही अच्छा सपोर्ट का काम करता है। पर कब करेगा, अगर ये यहाँ पर से बहुत बड़ा गैप डाउन खुलेगा तो यहाँ पर एक अच्छा सा सपोर्ट काम करेगा, और अगर ये जो लेवल है ये नीचे के साइड में ब्रेक होती है तो भी यहाँ पर एक अच्छा सा सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, और अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यहाँ पर है जो कि लेवल है 34,936। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल है। अगर अगर प्राइस यहाँ पर ये भी ब्रेक कर दिए तो ऊपर जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है जो कि है 35,291 का। तो ये जो लेवल से मेरे लिए बैंक निफ्टी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल से, इस लेवल पे बेस में यहाँ पर ट्रेड जो है वो लेने वाला हूँ। और अभी अगला जो चार्ट है वो निफ्टी का, और सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा जो भी निफ्टी और बैंक निफ्टी के मैं यहाँ पर चार्ट यूज कर रहा हूँ वो फ्यूचर्स के चार्ट से। फ्यूचर्स के चार्ट क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमें वॉल्यूम मिलता है और मेरे एनालिसिस में वॉल्यूम एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि निफ्टी में हमने डिस्कस क्या किया था कि निफ्टी ऑल टाइम हाई पे थी, यहाँ पर एक अच्छा सा गैप बना, गैप जाकर यहाँ पर राउंड टॉप पैटर्न बना और यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग हुई। तो ये क्या हुआ, आइसलैंड रिवर्सल पैटर्न हुआ। तो हमने बात की थी अगर यहाँ पर गैप डाउन ओपन होंगे तो यहाँ पर से हमें रिवर्स दिखाई देगा निफ्टी में, तो एक अच्छा खासा रिवर्स भी दिखाई दिया। ये जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट था ये सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ही बता दिया था कि यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जो कि है 15,512 का। तो एक्यूरेटली यहाँ पर सपोर्ट लिया और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो डाउन ट्रेंड लाइन है इंट्राडे की, इसका छोटा सा यहाँ पर ब्रेकआउट भी हो चुका है। अगर कल मार्केट रेंज में खुलता है तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर आपको लेवल बताना चाहूँ तो 15,686 का ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये भी सपोर्ट कल निफ्टी ब्रेक कर देती है तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा एरिया है जहां पर कि निफ्टी सपोर्ट ले सकती है। अगर आपको एरिया बताना चाहूँ तो 15,555 का ये जो एरिया है मेरे लिए बहुत ही अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। और यहाँ पर से थोड़े से हमें बुलिश सेंटिमेंट दिख रहे हैं क्योंकि ये डाउन ट्रेंड लाइन भी यहाँ पर से ब्रेक हो चुकी है। अगर यहाँ पर से ऊपर के डायरेक्शन में मूव करना चालू कर देगा तो ये जो रेजिस्टेंस है मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो अप ट्रेंड लाइन है अभी ये पहले तो ये सपोर्ट का काम कर रही थी पर अब ये यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम करेगी। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी, अगर आपको लेवल बताना चाहूँ तो 15,836 का। तो ये
जो लेवल्स है मेरे लिए निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स है, और बैंक निफ्टी एंड स्टॉक्स भी मैंने आपको बता दिए। तो अगर आपको यहाँ तक एनालिसिस पसंद आ गया होगा, अगर आपको एनालिसिस हेल्पफुल लगता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ, ट्रेडिंग कम्युनिटी के साथ शेयर कर दीजिए, और इसी तरीके के वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, थैंक यू वेरी मच।